अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। काफ़ी देर बाद तो यहाँ पे आज हमारा कूलर ठीक हो रहा था, तो मेरी मियाँ ने मुझे कहा कि भाई आड़ी लेके आओ, तो हम आड़ी लेके जा रहे थे। पता नहीं कौन सी मैकेनिक कर रहे हैं, पूरे दो दिन लगे हैं इस टीचर को ठीक होने में। तो हम यहाँ पे इसका ना कोई मसला नहीं था, बस इसकी कूलिंग जो है वो चल नहीं रही थी, जो ठंडक आती है एसी वाली वो नहीं आ रही थी। तो हम इसको सही साफ सूफ करके इसको अंदर से मिट्टी मुट्टी निकाल के इसकी मैकेनिक कर रहे थे, तो इन्होंने ठीक कर भी लिया। तो फिर हमने इनसे हो नहीं रहा था, तो हमने स्पेशल मैकेनिक बुलाया, ये वाले मैकेनिक। इन्होंने बस इनके हाथ लगने की देर होती है, कूलर जो भी चीज़ ख़राब होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये फिर इन्होंने इनसे भी अकेले इनके बस की बात नहीं थी, ठीक इनसे भी हो रहा था लेकिन इनके बस की बात नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता हूँ। तो वो बस थोड़ी देर में आ रहे थे, फिर ये देख रहे थे क्या मसला है। तेल भी इनके पास रखा था, वो भी लगाया इन्होंने, तो नीचे इनकी छुरी गिर गई थी। तो फिर इतनी देर में इनके ये आ गए ना जो इनके हेल्पर थे, तो वो भी आ गए काम को मजीद निखारने के लिए। बहुत हो गया मजाक, कोई इतना मैं झूठ नहीं बोल सकती, कोई हेल्पर हेल्प नहीं करवाते, ये तो काम बिगाड़ने आ जाते हैं, काम में टांग लाने आ जाते हैं, काम ही नहीं करते, ये स्कूल से करने ही देते। मजाक उड़ा रही थी कि आप बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और मुझे दुख भी हो रहा था इतना। जब भी मैं इनके बाल देखती हूँ ना वाइट, मुझे बहुत दुख होता है कि ये अपने लाइफ पार्टनर को बुरा होते हुए देखना। वैसे फिजिकली वो बंदा फिट होता है, जवान होता है, लेकिन बाल देख के बहुत दुख होता है कि यार ये आपसे पहले ही हो रहा है। तो जो भी है, फिर मुझे थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा छोटा सा खरबूजा काट के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी वो खाते हैं। तो हम वो खाने लगे थे, छुप छुप के खाने लगे थे, किसी को भी नहीं बताया था। बाद में मुझे मेरे मियाँ पूछते हैं कि आपने वो मुझे खरबूजा काट दो, मैंने कहा वो तो मैंने खा लिया है। तो यहाँ बहुत गर्मी हो गई थी, कोई 12-1 बज रहे थे, तो हम ठहरे गरीब लोग, तो हमारे पास तो एसी तो है नहीं कि हम बस कमरे में भांडे वगैरह रहे हैं। तो हम मेरे बच्चे ना यहीं पर बस नहाते रहते हैं, जब गर्मी होती है तो बहुत मज़ा करते हैं वो नहाते हुए। तो मैंने फिर गर्मी और थी, साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी शेक नहीं, स्ट्रॉबेरी जूस बनाया अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने कूलर की बहुत काम किया था, वो थक गए थे। अब तो बहुत बोरिंग तो एपिसोड्स लगते हैं, लेकिन ये वाली एपिसोड्स देखे बहुत मज़ा आता है। अब जब तो जो जो पहले होता था ये एपिसोड सब हम देखते थे, जो दौड़ होता था वो दौड़ याद आ जाता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो भी है, फिर मैंने बनाना था गोश्त बनाना था, फिर मैंने वो जल्दी जल्दी निकाला और इसको फेंका सिंक में ताकि ये पिघले, और मैं चली गई। यहाँ पे मैंने आपको जूम दिखाती हूँ आईफोन 13 का, मुझे तो बस ठीक लगा है आईफोन 13 का, आईफोन 15 का ज़्यादा जूम ज़्यादा अच्छा। तो मुझे एक और बात करनी थी कि मैं यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग व्यूज़ मेरे इतने आते हैं, मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं आती, 100-200 भी बहुत व्यूज़ होते हैं। अब 100-200 लोग ही मुझे अगर सब्सक्राइब कर देना तो मेरे लिए ये बहुत बात होती है। अब सारे लोग कहते हैं कि फैमिली दिखाते हैं ये तो ऐसे हैं, बुराइयाँ करते हैं, और आप लोग देखिए ये डकी भाई ये सिस्टर अंदाजा लगा रहे हैं, ब्लॉगर्स हैं बड़े बड़े वो अपनी फैमिली दिखाते हैं, उनकी ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह बहुत कम आते हैं। जो भी है बस मुझे कहना था, बस आईफोन 13 जो था इसको मैं खोल रही थी अभी, इसमें कोई चीज़ें भी नहीं की हुई थी, तो मैं कह रही थी कि मैंने इसमें वीडियोस बनाई थी, तो इसमें मैं कह रही थी कि एयरड्रॉप से अपने मोबाइल में वीडियो कर देती हूँ, तो वही कर रही थी। और मुझे हालाँकि मेरा आईफोन 11 है और एक जैसा सिस्टम है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था पासवर्ड भी। मैं ये देख लें आप लोग, जहाँ आपको फ़ोन मिला आप लोग खोल के पासवर्ड ट्राई कर दें, मेरा फ़ोन गुम भी सकता है, इजाज़त है आपको, फ़ोन आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर पासवर्ड खोल के ढूंढ रही थी, मुझे एयर ड्रॉप तक नहीं मिल रहा था जिसे पिक्चर्स जाती हैं, मैं भूल गई थी क्या करते। फिर मैंने अपने फ़ोन में ढूंढ के देखा तो वही वाला सिस्टम था, तो इस फ़ोन में किया तो फिर मुझे वो एयर ड्रॉप मिला। आईफोन 13 में से अच्छा कमाल रिजल्ट है मेरे, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क ही होता है ये आईफोन के फ़ोन में। तो फिर एक दफ़ा आपसे मैं देख रही थी यहाँ पर, जो मेरा व्लॉग देखता है ना, व्लॉग मेरा सिर्फ उन लोगों को जो देखते हैं मेरा व्लॉग, चाहे सारे ना करें लेकिन जो देखते हैं कम से कम वो तो सब्सक्राइब करें ना। अगर इतने ही लोग सब्सक्राइब कर देंगे ना तो वाकई मेरा मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं नहीं लेके आ सकती अपने आप को या अपनी सारे फैमिली को नहीं लेके आ सकती, तो अब मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं आस्ता आस्ता आगे मुझे तरक्की मिल जाएगी जैसे जैसे मैं वीडियोज़ बनाती जाऊँगी। अगर मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे तो फिर मैं टारगेट पूरा करूँगी, तो ही मुझे आगे अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। यहाँ पर ये नहा के दोनों लेटे हुए थे मस्त माहौल में, किसी तो बस दूध पी के सो रहा था, और हिबा उठ के केवल इतनी गंदी आ रही थी ना,
इतनी गंदी अचानक खुद ही साफ हो गई, पहली दफ़ा इतनी गंदी केबल आ रही थी। तो यहाँ पे दोनों मस्त हुए हुए थे और हिबा भी मस्त हुई थी, नहीं तो हिबा इधर उधर फिरती। अभी वो ना इनका बहुत अच्छा तलावत लगी हुई थी, पोइम कह लो, नात ही एक हिसाब से थी वो लगी, तो ये बहुत गौर से सुनते हैं, जोहर के टाइम लगती है तो ये वो सुने थे। और मैं भाई कर रही थी सफाई, बस यही काम रह गया भाई, ये नहाते रहे पूरा दिन यहाँ पे सेन में, और मैं इनकी सफाई करती रहूँ, बस यही काम है। मैं तो बेचारी हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे मियाँ वाटर मेलन लेके आए थे, तरबूज लेके आए थे, पता नहीं लाल है नहीं लाल है। वैसे ना ज़रूरी नहीं है तरबूज लाल हो, क्योंकि लाल जो नहीं होता ना, ज़रूरी नहीं है वो मीठा ना हो, और ये मीठा था, ये मैंने खा के भी देखा था ये मीठा था। तो मैंने कोई नहीं इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें इंजेक्शन लगा या नहीं लगा, क्योंकि ये लाल इतना नहीं था तो मैंने इस पर चेक भी नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है भाई। अब जो आगे आ गया, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये तरबूज बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा सा लग रहा है ना, मैंने वीडियो दूर से भी लेने की कोशिश की थी, नज़र आई जो मेरे पास सोई ना ना, तो ये जब भी इसको नींद आती अपने अब्बा के ऊपर जाके लेट जाती और अब्बा उस पर पेट में मालिश करते तो फ़ौरन सो जाती है अपने बाबा के। तो यहाँ पर मैंने ना यखनी बनाई थी, कहते गर्मियों में, ये मैं इनको कहती थी आपने पीनी है, कहते नहीं गर्मियों में कौन पीता है, मैंने कहा मैं तो पीती हूँ, तो फिर मैं तो पी रही थी यखनी। खिजर को भी, खिजर मैं उसको नहीं पिलाट के गर्म है, लेकिन वो मुझे मांग रहा था, मैंने कुछ चम्मच उसको भी दी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था पीने के लिए। यहाँ पे फजूल पंखा चलाया था इन्होंने, मैंने बंद किया फिर जाके, कोई था ही नहीं कमरे में। तो इसको देखे, इसके उल्टे काम, ये बहुत उल्टे काम करती है लड़की, इसको डर ही लगता। खिजर मेरा बेटा इतना होता था ना, ये अभी 1.5 साल की भी नहीं है ना, तो वो चलता था इस उम्र में आके, वो चलना शुरू हुआ था, ये तो माशाल्लाह 1 साल में चलना शुरू हुई थी। और इसके उल्टे काम देखिए, खुद ही ऊपर चढ़ गई है इसके ऊपर, मुझे तो इसको देख के डर लगा था, मैंने कहा ये डरती भी नहीं है। तो हर पुठा काम ये मेरी बेटी करती है, सोनी बेटी। तो बाकी जो है वो बच्चे तो उल्टा काम करते ही रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए फिर कहाँ उल्टा काम, ये चीज़ें मैं जब से बना रही हूँ मैं व्लॉग रोज दिखाऊंगी अगर जिंदगी रही ना। मेरे तो पहले बहुत छूट जाते थे ना, मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग्स बनाती हूँ, व्लॉग्स मैं खुद बनाने होते हैं मुझे, और मुझे ऐसी चीज़ें मिलती भी नहीं है कि मैं बनाऊँ, तो इसलिए मेरे रह जाते, मेरे और फिर इतने कम हो गए हैं, मैं हिम्मत हार जाती हूँ, लेकिन कहती हूँ नहीं, मुझे पता है मेरी वीडियो भी उस लेवल की नहीं है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस देख के सबको अच्छी लगे। तो आप लोगों की वजह से हो सकता है ये कि मैं, मुझे वो सब कुछ, मेरा टारगेट पूरा हो सकता है यूट्यूब का जो करना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। तो ये फिर शाम हो गई और फिर ये इनकी नहाने की बारी, बस मैंने बताया ना ये सुबह से शाम इनके दो दफ़ा ये नहाते हैं, एक दफ़ा दोपहर में नहाते हैं 1-2 बजे और एक दफ़ा शाम में नहाते हैं, ये तो बड़े मज़े से नहाते हैं, आप देख ही रहे हैं मेरा पहलवान